का मौका है और सलमान खान की फिल्म रिलीज हो रही हो तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और जनसत्ता पर आप देख रहे हैं किसी का भाई किसी की जान का मूवी रिव्यू। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि इस फिल्म के लिए आपको पैसे खर्च करने हैं या फिर नहीं। जब मैं सलमान खान की ये फिल्म देखने थिएटर गई तो सबसे ज्यादा शॉकिंग जो मुझे लगा वो था खाली थिएटर देखना। सलमान खान की बहुत सारी फिल्में मैंने थिएटर में देखी है लेकिन इतना खाली थिएटर मैंने पहली बार देखा। तो क्या फिल्म इतनी बुरी है कि लोग इसे देखने नहीं आए? आइए आपको बताते हैं। किसी का भाई किसी की जान तमिल मूवी वीरम का हिंदी रीमेक है जिसमें सलमान खान भाईजान के रोल में है, जिसका ना कोई नेम है और ना ही सरनेम। उसके तीन अनाथ छोटे भाई हैं जिनकी परवरिश के लिए वो शादी ना करने का फैसला करता है। सलमान खान के भाइयों के रोल में राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम और जस्सी गिल हैं, जिनके हिस्से थोड़ा बहुत एक्शन आया है। अब बात करते हैं फिल्म की लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े की। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया जब आई थी उस वक्त पूजा हेगड़े पैदा भी नहीं हुई थी और इस फिल्म में वो अपने से 25 साल बड़े हीरो की हीरोइन है। मैंने प्यार किया का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस फिल्म में भाग्यश्री उनके बेटे और उनके पति का खास रोल है जिसे देखकर आप ताली जरूर बजाएंगे। अब आप ये जानने को बेताब होंगे कि फिल्म में शहनाज गिल का क्या रोल है और क्या वो अपने काम से इम्प्रेस कर पाई हैं? सच तो ये है कि शहनाज गिल, पलक तिवारी और मृणाली भटनागर के पास करने को कुछ था ही नहीं। उनका ना कोई घर है ना ही परिवार। जब भी गानों में उनकी जरूरत होती है उनकी एंट्री हो जाती है और फिर वो सीन से गायब हो जाती है। फिल्म में सतीश कौशिक भी हैं। उनके निधन के कुछ हफ्तों बाद उन्हें स्क्रीन पर देखना आपको इमोशनल कर देगा। उनके हिस्से जितने भी सीन आए हैं उन्होंने उसमें जान डाल दी है। उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से इम्प्रेस किया है। इस फिल्म में नॉर्थ और साउथ का संगम दिखाया गया है क्योंकि फिल्म की हीरोइन पूजा हेगड़े हैदराबाद से हैं। उनके भाई के रोल में वेंकटेश जमे हैं। फिल्म में भूमिका चावला उनकी पत्नी के रोल में है। फिल्म में बॉक्सर विजेंदर सिंह भी हैं और उन्हें फिल्म में देखकर ऐसा लग रहा है कि सलमान खान ने सिर्फ उन्हें फिल्म में रखने के लिए उनका ये रोल लिखवाया हो। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही लाउड है जिसे कम किया जा सकता था। साथ ही बार बार आते गाने फिल्म की लय को बिगाड़ते हैं। फिल्म के गानों की बोल की तरह फिल्म के डायलॉग भी बहुत ही बचकाने और अटपटे हैं। इतने सारे किरदारों को लेकर बनाई गई ये फिल्म किसी किरदार के साथ जस्टिस नहीं करती है। तो अब सवाल ये है कि ये फिल्म देखें या फिर नहीं। अगर आप सलमान खान के फैन हैं और एक्शन फिल्में पसंद करते हैं तो अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म एंजॉय कर सकते हैं। इस फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से 2.5 स्टार मिलते हैं। बॉलीवुड से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।